हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि 4s² - 4s+1 को हम लोग कैसे उसका हम लोग शून्य कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं और रिलेशन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, शून्य और गुणांक के बीच का हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब इसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करना है तो हमने आपको बताया था कि मान लो भाई कि लेट 6x² - 3 - 7x = 0 है। क्योंकि हमको जीरो फाइंड करना है इसलिए हमने क्या मान लिया, जीरोज। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स जो होता है वो ax² + bx + c के बराबर होता है, c के टाइप का होता है। अब देखो ना, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो क्योंकि आपको ये प्रॉपर ऑर्डर में दिख नहीं रहा है। तो मान लो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 6s² - 7x - 3 = 0 अगर लिखते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो ऐसा लिखने से क्या हुआ कि ax² + bx + c का फॉर्म में आ गया, जिसके थ्रू आप इजिली ए बी सी फाइंड कर सकते हैं। तो अब बताओ ना यहाँ पे ए क्या हो जा रहा है। देखो ax² मतलब ए ये है, bx मतलब b ये है और c मतलब c ये है। तो देखो a का वैल्यू क्या है, 6 है, b का वैल्यू क्या है, -7 है और c का वैल्यू क्या है, -3 है। तो आपको a b एंड c का वैल्यू पता चल गया। अब देखो आपको लास्ट क्लास में ब्रेक करने बताए थे पॉलिनोमियल्स को, तो इसको ब्रेक करो। तो देखो 6 3 जा 18 होता है ना। अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि तोड़ने पे जो टूटा हुआ पार्ट है उसको मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें तो 18 आना चाहिए और इसको जोड़े या घटाए तो 7 आ जाना चाहिए। तो बताओ 9 2 जा 18 होता है 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब देखो ना आप, 9 2 18 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से ये ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ से 3 निकाले तो 3 2 जा 6, x यहाँ पे 2 था तो 1 निकाले तो 1 बचा माइनस, यहाँ पे देखो x निकालिए तो x तो खत्म हो गया, 3 3 जा 9 + यहाँ पे 1 कॉमन लिए तो क्या बच गया, 2x - 3 = 0। नेक्स्ट देखो आप, दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन है, तो यहाँ से आप 2x - 3 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो अगर 2x - 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ से 2x - 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, +1 बच गया, यहाँ से +1 = 0। अब देखो ना आप, यहाँ पे 2x - 3 ये भी 0 के बराबर है एंड 3x + 1 ये भी 0 के बराबर है। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो 2x = कितना हो गया, 3। दिस इंप्लाइज x = कितना हो गया, 3/2। अब इधर देखो आप, यहाँ पे 3x = कितना हो जाएगा, -1 एंड x = कितना हो जाएगा, -1/3। अब देखो आपको पता चल गया है कि ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। मान लेते हैं हम दोनों में से अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हो। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का जो योग होता है जिसको आप अल्फा प्लस बीटा के थ्रू शो करते हो, दिखाते हो, उसको क्या बोलते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। और एक होता है शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a
ए होता है। शून्यांकों का योग को क्या बोलोगे आप? सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल क्या बोलोगे आप? मल्टीपल ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो आप, अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहां पर लिखो फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहला क्या है? शून्यांकों का योग, दिस इक्वल टू दिस आ जाना चाहिए। तो अल्फा कितना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दिस इंप्लाइज, देखो ना आप, अल्फा क्या है? अल्फा है 3/2 प्लस बीटा क्या है? -1/3 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है? माइनस, देखो बी का यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दे। बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है? 7, -7 ना, -7 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है? 6। दिस इंप्लाइज, अब देखो ना आप, 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 7/6। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। देखो एलसीएम ले रहे हैं, आई डोंट थिंक कि एलसीएम में किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका कोशेंट? 3 आएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 2 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ पे? ये तो आपका 7/6 रहेगा ही। दिस इम्प्लाइज 9 में 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये देखो वेरीफाइड हो गया, पहला तो आपका मिल गया। दूसरा वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू बताओ आप 3/2, बीटा का वैल्यू बताइए आप -1/3, यही है ना? चलो इक्वल टू सी का वैल्यू आप देखो ना क्या है, सी का वैल्यू -3 है, -3। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 6 है। देखो नेक्स्ट, आप यहां से -3 ले सकते हो, 3 2 जा 6 ले सकते हो, इक्वल टू -3/6। देखो तो आ गया दोनों इक्वल, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड कंप्लीटेड। चलो तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप फिर हमसे क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, मैसेज करिए अपना क्वेश्चन, हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू।